दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दी क्रेजीस्ट मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसके एक्सप्लेनेशन ज़रूर पसंद आएगी, और पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें पूरा टाउन जलता हुआ दिखाया जाता है, जिससे पता चलता है कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ है। फिर हमें 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टाउन में बेसबॉल मैच हो रहा था। तभी रॉरी नाम का एक आदमी गन लेकर फील्ड में पहुंच जाता है। हालांकि पुलिस ऑफिसर डेविड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि रॉरी अपने कंट्रोल में ही नहीं है, जिससे डेविड उसे गन से शूट करके मार देता है। फिर हमें मुर्दा घर का सीन दिखाया जाता है जहां पर रॉरी की वाइफ और उसका बेटा पहुंचता है। हालांकि डेविड को लगता है कि रॉरी ने ड्रिंक किया था, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहा था, लेकिन उसकी वाइफ बताती है कि रॉरी ने पिछले 2 सालों से ड्रिंक करना छोड़ दिया था। फिर अगले दिन डेविड के पास रिपोर्ट आती है, जिससे उसे पता चलता है कि रॉरी ने ड्रिंक नहीं किया था। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। इसके बाद हम निकोलस और उसकी मॉम को देखते हैं, जो कि काफी परेशान होते हैं, क्योंकि निकोलस के डैड विलियम फार्म हाउस में बहुत ही अजीब हरकतें कर रहे थे। इसलिए निकोलस की मॉम विलियम को चेक करने के लिए फार्म हाउस में पहुंचती है, लेकिन विलियम उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। तभी उसे निकोलस की आवाज सुनाई देती है, तो वो घर पर पहुंचती है, जहां पर निकोलस उसे छुपने के लिए कहता है। तो विलियम वहां आ जाता है, जो दरवाजा बंद करके घर में पेट्रोल डालकर पूरे घर में आग लगा देता है, जिसके बाद डेविड विलियम को अरेस्ट कर लेता है। इधर हम टाउन के कुछ हंटर्स को देखते हैं, जो जंगल में आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें पानी के अंदर कुछ अजीब दिखाई देता है, जिससे वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वो कुछ और नहीं बल्कि डेड बॉडीज थी और उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी। इसलिए डेविड भी उसे देखकर काफी हैरान होता है। फिर वो लोग चेक करने के लिए एक बोट से रिवर का ट्रेवल करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि वहां पर एक बहुत ही बड़ा प्लेन क्रैश हो गया था, जो कि काफी अजीब बात थी, क्योंकि अभी तक उस प्लेन के बारे में न्यूज में कोई बात नहीं बताई गई थी। इसलिए डेविड रिवर का पानी बंद करने के लिए टाउन के मेयर के पास पहुंचता है, लेकिन मेयर इस चीज के लिए साफ इनकार कर देता है, क्योंकि इससे किसानों की फसल सूख जाएगी। इसके बाद डेविड अपने जूनियर रस के साथ टाउन के वाटर सप्लाई एरिया में पहुंचता है और रिवर का पानी बंद कर देता है। फिर रस जब पुलिस स्टेशन पहुंचता है, तो उसकी नजर विलियम पर पड़ती है, जो उसे मरा हुआ दिखाई देता है। इसलिए वो लॉकअप खोलने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड उसे मना कर देता है। तभी अचानक से विलियम उठकर रस पर अटैक करने की कोशिश करता है, और इस दौरान वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा था, जिसके बाद रस और डेविड को पता चलता है कि टाउन के सारे कम्युनिकेशन सिस्टम बंद कर दिए गए हैं, जिससे कोई भी एक दूसरे से कांटेक्ट ना कर पाए। डेविड मुर्दा घर में पहुंचता है, तो उसे एक आदमी मिलता है, जिसके मुंह और आंख को बहुत ही बुरी तरह से सिल दिया गया था। फिर जैसे ही डेविड उसके मुंह के टांके काटता है, तो डॉक्टर डेविड पर अटैक कर देता है और एक कटर से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड उसे धक्का दे देता है, जिससे डॉक्टर खुद उस कटर से मारा जाता है। और फिर कटर डॉक्टर के हाथ से छूट जाती है और डेविड की तरह बढ़ने लगती है, लेकिन तभी वहां पर रस पहुंच जाता है, जो उस कटर को रोक लेता है, जिससे डेविड की जान बच जाती है। फिर डेविड जब घर पहुंचता है, तो मिलिट्री उसे और उसकी वाइफ जूडी को उठाकर ले जाती हैं, और वो लोग जब जूडी और डेविड का टेम्परेचर चेक करते हैं, तो जूडी का टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। हालांकि डेविड उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि सोल्जर उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देते हैं। फिर जब जूडी क्वारंटाइन एरिया में बंधी हुई होती है, तभी वहां पर इन्फेक्टेड लोग अटैक कर देते हैं, इसलिए सोल्जर उसके साथ साथ बाकी लोगों को वहीं छोड़कर हेलीकॉप्टर से खुद की जान बचाकर वहां से निकल जाते हैं। इधर हम डेविड को देखते हैं, जो पुलिस स्टेशन पहुंचता है, तो देखता है कि विलियम अब बहुत ही बुरी तरह से मारा जा चुका है। तभी वहां पर रस भी पहुंच जाता है, तो डेविड उससे जूरी के बारे में बताता है, साथ ही साथ ये बात भी बताता है कि मुझे अच्छे से पता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है, और उसका टेम्परेचर इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और उसे काफी दिनों से फीवर हो रहा है। इसलिए डेविड और रस जूडी को बचाने के लिए क्वारंटाइन एरिया तक जाने का फैसला करते हैं। फिर हमें क्वारंटाइन एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक साइंटिस्ट पहुंचता है, जो कि इन्फेक्टेड होता है, और वो एक एक करके रूम में मौजूद लोगों को मारने लगता है। फिर वो बेका के पास पहुंचता है, और क्योंकि बेका जूडी की असिस्टेंट थी, इसलिए जूडी उसे बचाने के लिए चिल्लाने लगती है, जिससे साइंटिस्ट बेका को छोड़कर जूडी की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो उस पर अटैक कर पाता, वहां पर डेविड और रस पहुंच जाते हैं, जो उसे शूट करके मार देते हैं, जिसके बाद वो चारों वहां से निकल पड़ते हैं। तभी बेका की नजर उसके बॉयफ्रेंड स्कोटी के घर की तरफ पड़ती है, तो वो उस तरफ भागने लगती है, इसलिए बाकी
बाकी लोग भी उसके साथ वहाँ जाते हैं। फिर वहाँ पर उन्हें स्कॉटी मिलता है जो कि बिल्कुल सही सलामत होता है। तभी वहाँ पर सोल्जर्स भी पहुँच जाते हैं जो स्कॉटी की मॉम को अरेस्ट कर लेते हैं। ये देख कर स्कॉटी खुद को रोक नहीं पाता और अपनी मॉम को बचाने के लिए उनकी तरफ भागने लगता है, जिससे सोल्जर्स उसके साथ साथ उसकी मॉम को भी शूट करके मार देते हैं। फिर वो दोनों की डेड बॉडी को बुरी तरह से जला देते हैं, जिससे अगर वो लोग इन्फेक्टेड हो तो इन्फेक्शन दूसरे लोगों तक ना पहुंचे। ये देखकर डेविड और बाकी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहीं फार्म हाउस में छुप जाते हैं। तभी वहां पर चेक करने के लिए सोल्जर पहुंचता है, लेकिन डेविड उस पर अटैक करके उसे बंदी बना लेता है और उसे पूछता है कि यहां पर क्या हो रहा है, लेकिन उसे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती और वो डेविड से खुद को छोड़ने के लिए कहता है। तो डेविड उसे समझाता है और धमकी देता है कि अगर तुमने अपने साथियों को हमारे बारे में बताया तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, क्योंकि हम लोग इन्फेक्टेड नहीं है, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और हम लोग परेशानी में है। इसलिए वो बाहर जाने के बाद अपने सोल्जर साथियों को कुछ नहीं बताता। फिर डेविड सभी लोगों के साथ अपने घर पहुंचता है, जहां पर उसकी वाइफ जूडी किड्स रूम में पहुंचती है। तो इस दौरान हम देखते हैं कि वहां पर रॉरी की वाइफ भी मौजूद थी, जिसके बाद हमें डेविड को दिखाया जाता है जो जूडी को ढूंढता हुआ जब रूम में पहुंचता है तो देखता है कि उसकी वाइफ को रॉरी की वाइफ ने हॉस्टेज बना रखा है और वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस पर भी रॉरी का बेटा अटैक कर देता है। फिर उसके सामने ही रॉरी की वाइफ जूडी को गन से शूट करने की धमकी देती है और क्योंकि डेविड का हाथ चाकू में फंसा हुआ था इसलिए वो कुछ नहीं कर पा रहा था, जिसके बाद वो रॉरी की वाइफ को खुद को शूट करने के लिए मजबूर करता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे शूट कर पाती, वो अपने हाथों को चाकू से निकालकर उस पर अटैक कर देता है और उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। लेकिन तभी उसका बेटा डेविड को गन से शूट करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही रस उसे शूट करके मार देता है, जिससे डेविड की जान बच जाती है। फिर डेविड अपनी गाड़ी लेकर सब लोगों के साथ वहां से निकल जाता है। तभी वहां पर एक हेलीकॉप्टर पहुंचता है जो उन्हें देख लेता है, इसलिए वो लोग उससे बचने के लिए कार वॉश एरिया में चले जाते हैं। लेकिन वहां पर कोई कार वॉशिंग स्टार्ट कर देता है, जिससे उन्हें कंफर्म हो जाता है कि वहां पर उन लोगों के अलावा भी कोई और मौजूद है, इसलिए वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी उन लोगों पर इन्फेक्टेड लोग अटैक कर देते हैं, लेकिन डेविड और जूडी उनका बहुत ही बहादुरी से सामना करते हैं और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी एक इन्फेक्टेड आदमी बेका के गले में वायर बांध देता है, जिससे वो वहीं पर लटक जाती है। इसलिए सब लोग उसे बचाने के लिए गाड़ी से उतरकर बाहर आते हैं, लेकिन देखने पर पता चलता है कि वो मर चुकी है। उसी समय बाहर घूम रहा हेलीकॉप्टर उनकी गाड़ी पर अटैक करके उसे ब्लास्ट कर देता है, इसलिए वो लोग पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है जो उनकी गवर्नमेंट लैब की होती है, इसलिए डेविड उसे शूट करके रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही रस सड़क पर स्प्रिंकल बिछा देता है, जिससे उस गाड़ी का बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर मौजूद आदमी अभी भी जिंदा होता है, जो कि एक ऑफिसर था। फिर डेविड उस ऑफिसर से प्लेन के बारे में पूछता है तो वो ऑफिसर बताता है कि उस प्लेन में एक बायोलॉजिकल वेपन था और यही वजह है कि पूरे टाउन में इन्फेक्शन फैल गया था। ये सुनकर डेविड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो ऑफिसर बताता है कि हम यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए आए हैं, क्योंकि 48 घंटे के अंदर इस टाउन में बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होने वाला है, जिससे सभी लोग मारे जाएंगे। तभी रस उस ऑफिसर को गन से शूट करके मार देता है, जिस बात से डेविड उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि रस भी इन्फेक्टेड हो चुका है। फिर वो डेविड को शूट करने की धमकी देकर उससे उसकी गन ले लेता है और उन्हें पैदल ही चलने के लिए कहता है, लेकिन डेविड समझ जाता है कि अगर वो लोग ऐसे ही पैदल चलते रहे तो बहुत ही बेरहमी से मारे जाएंगे। इसलिए वो रस से बात करने की कोशिश करता है और उसे चकमा देकर उससे गन ले लेता है। हालांकि इस दौरान वो उनके साथ चलने की रिक्वेस्ट करता है, तो डेविड इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। फिर जब वो लोग टाउन के लास्ट में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि हाईवे पर सोल्जर्स मौजूद है जो किसी को भी दूसरी तरफ जाने नहीं दे रहे थे। इसलिए रस डेविड की हेल्प करने का फैसला करता है और सोल्जर्स का ध्यान भटकाने के लिए हाईवे पर पहुंचता है और उनके रोकने पर भी उनकी तरफ बढ़ने लगता है। फिर जैसे ही वो अपनी गन निकालता है, सोल्जर्स उसे शूट करके मार देते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर डेविड और जूडी वहां से निकल जाते हैं, जो एक गैस स्टेशन में मौजूद मॉल में पहुंचते हैं, क्योंकि वहां से निकलने के लिए उनके पास कोई भी गाड़ी नहीं थी, इसलिए वो लोग काफी ज्यादा परेशान थे। तभी वहां पर लाइट चली जाती है और जूडी वहां बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी उसे वहां पर किसी के होने का एहसास होता है, इसीलिए वो छुपने की कोशिश करती है, लेकिन एक इन्फेक्टेड आदमी उसे देख लेता है जो कि उस पर अटैक करने वाला होता है, जिससे वो भागने लगती है और भागते हुए एक रूम में पहुंचती है जहां पर बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग मरे हुए थे।
उसी समय वहां पर डेविड पहुंच जाता है जो जूडी को लेकर ट्रक तक पहुंचता है, लेकिन ट्रक की चाबी ना होने की वजह से वो चाबी लेने के लिए ओनर के पास पहुंचता है। उसी समय वहां पर लाइट आ जाती है जिससे सभी इन्फेक्टेड लोग डेविड को देख लेते हैं और उस पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। हालांकि डेविड उस आदमी का सामना करने की कोशिश करता है। इधर हम देखते हैं कि दूसरा इन्फेक्टेड आदमी ट्रक में जूडी को मारने के लिए पहुंचता है, लेकिन जूडी उससे पहले ही उसे शूट करके मार देती है। तभी हम डेविड को देखते हैं जो पहले इन्फेक्टेड आदमी को खुद को बचाने के लिए आग लगाकर मार देता है। फिर वो ट्रक लेकर जूडी के साथ वहां से निकल जाता है। इसी दौरान रेडियो पर काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है जिसके खत्म होते ही बहुत ही बड़ा विस्फोट होता है जिससे उनके ट्रक का भी एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन इस दौरान डेविड और जूडी सही सलामत बच जाते हैं और शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसके बाद हमें एक शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ की पॉपुलेशन लगभग 1 लाख से ऊपर होती है और वहाँ पर भी ये इन्फेक्शन फैलने लगता है, जिससे पता चलता है कि अब वो शहर भी पूरी तरह से बर्बाद होने वाला है। और इसी के साथ ही मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियोस पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।